أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج अक्टूबर 1972 की नवंबर 1972 की 12 तारीख है और दरसे कुरान करीम का आगाज सूरह अल आराफ की आयत 204 से हो रहा है. 7/204. गुज़श्ता इतवार को जश्न नज़ूल कुरान करीम के सिलसिले में दर्स का मौजू खास था. इस दफा अब हम फिर उसी तसलसल से आगे बढ़ते हैं. व्यवस्था से प्यवस्था इतवार के 203 आयात तक हम आ गए थे. तकदीर याददाश्त के लिए कर दूं कि कुरान करीम का अंदाज ये है तो हर सूरत के आखिर में जो आयात आती हैं उनमें उस सूरत के आकाम सूरत और उस तालीम को चंद आयात में मुर्तकिब कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है. तो ये आयात इस एतबार से ज्यादा अहम हो जाती है. कहा ये उन इन्नमा अत्तबे मा यूहा इलैय मिन रब्बी. दीन यही है अजीजारमान, खुदा की तरफ से जो वही दी गई है उसका इत्तबा किया जाए. यही खुदा और बंदे का ताल्लुक है. उसके अलावा उसके साथ ताल्लुक की और कोई सूरत नहीं है. यही वही थी कि जिसका इत्तबा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे. सबसे पहले आप खुद और फिर दूसरों को भी यही कहा जाता था. इसी सूरत की इब्तदा जहां से हुई थी वही अल्फाज आप देखेंगे कि आखिर में जाके दोहराएगा. इब्तदे हूं मैं उन दिनों इलेक्ट्रम में वे पूरी सूरत में यही अल्फाज थे. आयत नंबर 3 है ये इसी सूरह की. इत्तबेउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबेउ मिन दूनिही औलिया. ये है दीन जो कुछ खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है उसका इत्तबा करो और उसके सिवा किसी और का इत्तबा न करो. खा वो तुम्हारे जहन में अकीदे की रूह से कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, बड़ा जानो लक्ष है. मीन दूने ही अलिया, इन्हें दोस्त समझो, सरपरस्त समझो, बड़ी शख्सियतें समझो, हमारे आम सलाह में अलिया समझो, कुछ भी हो, इतना किसी शख्सियत का नहीं है. इतना तो खुद रसूल की शख्सियत का भी नहीं है. इतना जो खुदा ने नाजिल किया है उसका है. तो यहां तो पूरी जमात मोमिनीन से यह कहा गया इत्तबेउ मा उन्ज़िला इलैकुम, और यही यहां दोहराया जा रहा है. खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है. कोई माफ़ किएगा, इनसे कह दो कि मैं सिर्फ उसका इत्तबा करता हूं जो मेरी तरफ नाजिल हो. वही तो नबी को मिली है और उस नबी को वही मिलने के बाद सबसे पहले वो खुद उसका इत्तबा करता है, उसी वही को दूसरों तक पहुंचा देता है और उनसे कहता है कि तुम भी इसका इत्तबा करो. ये है खुदा और बंदे का ताल्लुक. नबी की हैसियत से जो खुदा के साथ उसका ताल्लुक था वो वही के ताने का था. वो गैर अज नबी को हासिल नहीं हो सकता और उसके बाद उसकी जरूरत भी नहीं रहती कि ये बराह रास्त हम पे ये कुरान नाजिल हो या नाजिल शुदा कुरान हमें मिल जाए. तो एक बात होती है, खुद नबी को भी जो कुरान मिल गया है
उसके बाद तो नबी की पोजीशन भी यही है कि वो उस कुरान का इसी तरह इब्तिदा करते हैं जिस तरह से तो हम दूसरे उसका इब्तिदा करते हैं। वहाँ हम सबको कहा गया है इत्तबिउ मा अंज़ला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और यहाँ नबी से कहा गया है कि इन्नमा अकुलु इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैय्या मिन रब्बी। तो इस इब्तिदाए कुरान में मा अंज़ला के इब्तिदा में खुद रसूल भी शरीक होता है और उम्मती भी शरीक होते हैं, और यही है खुदा के साथ ताल्लुक जिसे कहा जाता है। चला करते भाई मंदू नहीं आ लिया, बड़ी अजीम हकीकत है, किस चीज कितनी बड़ी आजादी कितनी बड़ी सरफराजी अता कर दी कुरान ने यह कहकर कि बस ये है जिसका इब्तदा करना और इसके बाद कोई शख्सियत क्यों ना हो सवाल ही नहीं है किसी दूसरे के इब्तदा का। वही तो चीज दूसरे का इब्तदा ही तो है जिसे आप उसकी गुलामी और नाकूमी करार देंगे। यहाँ गुलामी और नाकूमी तो सिर्फ खुदा के आकाम की है और किसी की नहीं है। नबी से कहा गया कि तुम भी ऐलान कर दो हाजा बसायर में गब्बे तुम, ये इब्तदा भी आंखें बंद करके रिलीजन या मजहब की सलाह में जिसे फेथ कहते हैं आंखें बंद करके नहीं कहा जाएगा दिया जाएगा। खुद कुरान को बसायर कहा है, वो शायद बसीरत की रूह से इल्म की रूह से जिसको समझा जाए और जिसे असत भी किया जाए इल्म बसीरत की रूह से। ईमान आंखें बंद करके किसी चीज को तस्लीम करने का नाम नहीं है, वो कन्विक्शन का नाम है, कल्बे दिमाग की पूरी रजामंदी से किसी सदाकत को तस्लीम करने का नाम है। खुद कुरान बसायर है, वहुदन सही रास्ते को उभार कर सामने ले आने वाला, और इसका नतीजा या इसका मकसद रहमतुन लिकौमिन यूमिनून, जो कौम इस तरह से इनकी इसकी सदाकतों पर यकीन कर लो कि ये कवानीन वाकई बरहक है और मैं उन्हें जाबता हवात बना रहा हूँ, उस कौम के लिए ये सामान मसल नुमा बहन पहुंचाने का जरिया बन जाती है। रहमत के यही माने होते हैं। अब ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान किया और उसके बाद अब ये हदायत आगे आती है, वइज़ा कुरिया अल-कुरआन फस्तमिउ लहू वअन्फ़िकू लअल्लकुम तुरहमून। वो ये था ऊपर हुदैया रहमत लिकौमिन यूमिनून, ये रहमत बनती है उस कौम के लिए जो इसकी सदाकतों पर यकीन रखे। अब नीचे उसका तरीका बताया है लअल्लकुम तुरहमून, ये करो ताकि तुम्हें वो रहमतें नसीब हो जाए, वो समान नशो नुमा। समान नशो नुमा इंसान की इस सभी जिंदगी का भी इंसानी जात का भी, ये दोनों चीजें हैं जो कुरान के इत्तबा से हासिल हो जाती हैं। यहाँ कहा गया लअल्लकुम तुरहमून, आप देखते हैं किस अंदाज से रब से बात चली आ रही है कि ये है तो सही कुरान रहमत है मोमिनीन के लिए, लेकिन उस रहमत के हसूल के लिए कुछ करना पड़ता है। यही नहीं है कि ये कुरान जो है उसको आपने लपेट के रख लिया, तावीज बना लिए, आगे मैं कल के अभी अर्ज करूंगा तलावत कर ली सूरत होगी और इस वास्ते जो मकसद उससे हासिल होना था वो हासिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पहली चीज ये है, आयत है, इसका आम तर्जमा तो यही किया जाता है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम, ताकि तुम्हें समान नक्शो नुमा मिल जाए। अब आप गौर कीजिए कि अगर यही इतने ही माने लिए जाए इसके तो बड़ा ही आसान हो गया। ये मकसद इसका बताया था रहमतुल लिकौमिन यूमिनून, गौर कीजिएगा, यानी इस सारे प्रोसेस का इस प्रोग्राम का मकसद था ताकि तुम्हें सामान्य मकसद अनुमान मिले। उसके बाद इसका तरीका बताया, कहे के लिए बताया लाजना तुम फिर हमून ताकि वो सामान्य मकसद अनुमान तुम्हें मिल जाए। तो तरीका क्या बताया, अगर यही तर्जमा लिया जाए उस चीज का तो ये तो हुआ कि जब कुरान पढ़ा जाए तुम खामोशी से सुन लिया करो बस, हो गया प्रोग्राम पूरा। यही करना है और फरमाया आपने, बात तो इतनी नहीं बिरादरान अभी
तो सारे कुरान में इन लगी आमनी वामिर सियाले हाथ वामिर सियाले हाथ पुकारता चला जाता है, और यहाँ बात सिर्फ इतनी हुई कि पढ़ने वाला पढ़ता रहे, सुनने वाले के लिए इतनी सी बात यह कि खामोशी से सुनता रहे। फवान नशो नवाज इसका महफिल मुंतहा था, इसका इस सारे प्रोसेस का, सारे प्रोग्राम का हासिल हो गया। यहाँ तो इतने मान ही लिए, अब आ गई आगे हमारे यहाँ की सिख, आपको पता है इससे मसला क्या आगे चला। कुरान भी उनके नजदीक मसले मसाइल की किताब है। मसला ये चला कि बाजमात नमाज में जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ता हो तो पीछे मुक्तदियों को वो सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। हजार साल से ये मसला मुस्तबस्ती चला आ रहा है, जंग जगन मनाजरे मुदा से इसके हो रहे हैं, मस्जिदें अलग बन रही हैं, नमाजें अलग हो रही हैं। किस चीज से मुलाजा फरमाइए थे, किसी आयत से ये चीज आगे चली है। एक ग्रह ये कहता है कि जब वो इमाम ऊंची ऊंचे वो सूरह फातिहा पढ़ता हो तो पीछे जो मुक्तदी खड़े हैं उन्हें खामोश रहना चाहिए, उन्हें नहीं ये बात हम शरीफ पढ़नी चाहिए। दूसरा ग्रह ये कहता है कि नहीं, इन्हें भी पढ़नी चाहिए। आपने सुना होगा ये मसला तो, फातिहा खल्फ अल-इमाम जैसे रफा यदैन का मसला है, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए। हजार बरस से चला हुआ ये मसला, ये जो आप अलग अलग मस्जिदें देखते हैं ना, ये इन्हीं की बिना पर बनी हुई है। तफरीक बैनुल मोमिनीन जिसे कुरान शिर्क करार देता है, मस्जिदें उस तफरीके का बायस है, और मस्जिदें अलग अलग क्यों बनती हैं वो इस मसले पे बनती हैं कि अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए, और फातिहा अल्फ इमाम पढ़नी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। चला हुआ और ढेर से समझा रहे हैं और सूरह मिलता नहीं, तय नहीं होने पाता। ये मसला कोई मसला भी तय नहीं होने पाता, जो भी खड़े हैं आज तक कोई एक भी तय नहीं हुआ मसला। यहां से ये मसला क्यों गया पड़े हुए यहां। एक लतीफा है दरमियान में, नहीं है तो हकीकत की इनके मुनाजरों की क्या सूरत थी। ये जो ये कहते थे कि पढ़नी चाहिए फातिहा, उनका मुनाजरा हुआ दूसरों के साथ। ये जो दूसरे थे ये मातूबी वाकया हुए, खुद इमाम आजम वो हनीफा और रहमा तो मुतकरे थे। ये वो लोग थे जिनका मतलब ये था कि कुरान और अकल इंसानी किसके दिन मुतय्यन होता है। तो सवाल ये पैदा हुआ आपस में, वो मुनाजरा हुआ कि साहब इमाम जब फातिहा पढ़ अलहम्द कर रहा हो तो पीछे मुक्तदियों को पढ़नी चाहिए या नहीं। ये लोग जो थे ये अब हंसी कहिए ना उनको, बाद में तो ये भी बेचारे वही हो गए थे जो दूसरे ग्रोह थे। तो उस जमाने में जरा अपने फिक्र से जो काम देते थे इनके साथ मिला था, ये नहीं करते खामोश रहते थे, इनके पास ही आए। समझ लीजिए इमाम साहब के पास ही आए, वो आए 10-20 आदमी थे, उन्होंने बातें करनी शुरू की। आपने वो कहा कि देखो भाई तुम इतने आदमी हो और बजात वक्त उसकी बातें करती हो, मैं किस किस का जवाब दू। कहने के फिर क्या कहने को, उसका तरीका ये है कि तुम अपने में से किसी एक को चुन लो तो वो मुझसे बात करे, बाकी खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो कहने लगे यही तो हम कहते हैं, तो जब तुम्हारा नुमाइंदा बोल रहा है तो बाकी खामोश रह करो। आप देखते हैं चमक पैदा हो जाती है जहां, और यही थे जिनके ऊपर फिर कुफर के फतवे लगे
आज तक लगा हुआ, जिस किसी को इन्होंने जिस भी डाग है बैड नेम एंड हैंग हिम, जिसे भी ये कुछ करना है उसके मुताबिक ये एम ओ तो गला है साहब। वो जुर्म क्या है कि जी अगले फिगर की बात करता। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान की ये आयत आई और उससे इस आयत का अब यही मतलब रह गया है, ये मसला जो है इसके लिए। बहरहाल कुरान ने कहा ये है कि इसके ऊपर प्रोग्राम है लाला तुम फिर हनू, ताकि वो मकसद हासिल हो जाए जिसके लिए ये कुरान उतारा गया है, नाजिल किया गया है। करना क्या, कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकाम पे ये कहा है कि मोमिन का शायर ये होना चाहिए कि पहले तो वो इन सदाकतों पे कल्ब और दिमाग की पूरे इत्मीनान से यकीन रखे कि ये सही है। जब ये सही चीज के मुतल्लिक यकीन कर लिया तो ये एक ग्रोह ऐसा हो गया कि इनके मुतल्लिक अब कोई शक व शुबा रद व तस्दीक जंग व जदल कोई इसकी जरूरत उसे नहीं रहेगी, उन्होंने उसने तस्लीम कर लिया है। अब तस्लीम करने के बाद आगे अमली प्रोग्राम आएगा। अमली प्रोग्राम क्या होगा, सारे कुरान में ये है कि मोमिन का शायर ये है कि जब उसके सामने कुरान की आयत या खुदा का हुक्म कानून उसके सामने लाया जाता है वो कहता है समेना या अताना, हमने सुन लिया और हम अतायत कर। प्रोग्राम खत्म हुआ, मान लिया तो कल यहां हर किस्म के बात के मुनाजरे की जंग व जदल जिसे आप कहते हैं वो सारी इजाजत है, आओ लड़ो झगड़ो। लड़ो से मुराद ये लथन लथा होने वाली बात नहीं है, समझने के लिए बात को एतराजात करो, सबूत का इजहार करो, हर किस्म की बात करो। जिस तरह से जीते है अपना इत्मीनान, जब इत्मीनान के बाद बात मान लो तो फिर वो तो सोच खत्म हो गई ना, एक्सेप्ट कर लिए तुमने उसे, इस जमात के अंदर दाखिल हो गए, फौज में भर्ती हो गए, पहली सोच खत्म हुई, अब यहां आया। अब आप आज भी देखिए आपके माशरे में जहां इतना सब प्रसार और इंतकार और फसाद और जदाल हो रहा है, अभी तक वो डिसिप्लिन फौज के अंदर मौजूद है कि भर्ती होने से पहले पहले तो आप हजार किस्म की बातें पूछिए, जो भी में आए उनसे सवाल कीजिए, इत्मीनान कीजिए, ये कुछ करने के बाद जब आप इसको रिकग्नाइज कर लें एक्सेप्ट कर लें फिर जब उसमें आ जाए तो फिर सुबह उठ के ऑर्डर ऑफ द डे इकट्ठा किया जाता है सामने फौज के सिपाहियों को, कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द डे आज के दिन के आकाम, और नहायत खामोशी से वो सुनने होते हैं। और सुनने के बाद ये नहीं है कि फिर अल्लाह अकबर बखाबा अल्लाह मंदिर से बार कानी टूट गए, ये सुनना होता है अगर कदम उठाने के लिए। आप सोचो कि अगर ऑर्डर ऑफ द डे सुनने के बाद ये सारे सिपाही अपनी अपनी बारगो में चले जाएं और कहें कि फिर पहनने की फिर वो फिर आएंगे, खुदा का तो हमने सुन लिया। कुरान मैंने कहा अजीजा ने मन खुदा हद करता है, इसका नहीं जहां आया है यहां उसने मुतद्दद मकाम में ये बता कह दिया है कि ये होता क्या है। मोमिन जो है वो ये कहते हैं कि समेना या अताना, सिपाही कहता है ये जुबान से कहने की जरूरत ही नहीं होती, उसको अताना कहता नहीं है, अताना करके दिखाता है। सूरह अल कुरान ये किरत जिसे हम कहते हैं, ये इसके टर्मों जो इसके माने हैं, ये इसके खानवी माने जिसे कहते हैं, ये वो होते हैं बुनियादी माने इसके ऐलान करने के। खुद लफ्ज़ कुरान जो है, मैंने पिछली दफा भी शायद यह अर्ज किया था कि एक मादे के एतबार से इसको लेते हैं कि ये यही किरत है, टर्मों के माने में जिसे लेते हैं, और शिद्दत के साथ जिसे ये जिस बात के ऊपर आया है उसमें जो पाया जाता है, लेकिन इसके माने ऐलान करने के, प्रोक्लेमेशन के माने हैं, कुरान के माने हैं वो अकाम व कवानीन खुदाबंदी जिसका ऐलान किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर।
یہ جو میں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہتے ہیں پہلی آیت نازل ہوئی تھی, اگر تو وہ بھی جو تحقیق بات نہیں ہے کہ پہلی وہی آیت تھی, لیکن کچھ بھی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, کہ جبریل نے آ کے جو کہا کہ وہ کاغذ دکھایا اور کہا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور آپ نے یہ ان کے سامنے یہ فرمایا یا اس کے سامنے عرض کیا کہ میں تو کرنا نہیں جانتا, جو دیکھنے والا خدا معاذ اللہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنا نہیں جانتے, لانے والے جبریل انہیں بھی یہ علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ پڑھنا نہیں جانتے, آگے سامنے کاغذ رکھ دیا کہا پڑھ, اور آپ نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا, تو پھر وہ جبریل نے گلے سے لگایا معاملہ کیا عید ملی, اور اس کے بعد پھر وہ سارا علم جو تھا جبریل کا وہ سارا منتقل ہو گیا, یا وہ دوسری روایت کی روح سے کہ وہ انہوں نے سینہ چاک کیا پھر قلب کو چاک کیا پھر اس میں سے معاذ اللہ آواز سے نکالی پھر اسے دھویا پھر اندر رکھ دیا پھر سیا, کیا کہا جائے جو بات آنے والی. بہرحال وہاں تک جو میں کہہ رہا تھا کہ اقرا اس کے معنی یہ دیے جاتے ہیں کہ پڑھ, حالانکہ وہ ایک عظیم منصب اور فریضہ تھا رسالت کا, نبوت کے بعد رسالت شروع ہوتی ہے, نبوت میں تو وہ مل جاتا ہے حکم, تو اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ وہ حکم مل گیا اور پھر آ کے آپ خانقاہ میں بیٹھ گئے, اسی طرح سے آپ اپنے زاویے میں چلہ کشی میں مصروف ہو گئے, یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ مردان عام کا ذکر کرنا بھی ان کا بظاہر, اتنی بڑی ذمہ داریاں تو تو یہ آگے کی رسالت کی وجہ سے تیری کمر توڑ دی تھی ان ذمہ داریوں نے, کتنا بڑا بوجھ تھا تیرے اوپر جو آج وہ اٹھ گیا, ساری عمر کے اس اور اس بوجھ اٹھانے والے نے جس طرح 23 سال کی عمر گزاری ہے, کوئی ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سے, کوئی نہیں سکتا ذمہ دار جو ہو عزیزا نے مانی, گھر میں دو بچوں کی ذمہ داری آپ نے لی ہو یا بچوں کی ماں نے لی ہو, رات بھر نہیں سو سکتی وہ ماں, اور یہ امت کی ذمہ داری ہے, اور امت تو آپ کو معلوم ہے تعلق ہی وہ ہوتا ہے جس کی امت ہے, ماں کا تعلق ہوتا ہے امت کا, تو گھر میں ام سے متبا جس کے معنی ماں ہے, ان ہزاروں لاکھوں کی ماں جو تھی وہ اس کو چین کی نیند ہو سکتی تھی, اس کی یہ تصویر ٹھیک کہنا پڑا خدا کو تمہیں لانا اللہ کبھی لو بابا کچھ کھویا بھی کر رات کو اتنا لگا سے نہار سب ہم کبھی نہ, جن کو اتنے پروگرام تیرے جملے ہوتے ہیں انہیں بھی تمہیں سر انجام دینا ہوتا ہے, ارے بھائی رات کو تو کوئی تھوڑا سا کھو لیا تھا, یہ ہوتی ہے رسالت کی ذمہ داری, اس ذمہ داری کی ابتدا سے جہاں یہ کہا گیا مل گیا یہ پروگرام کام آ گئے ٹھیک ہے جی مل گیا, اب یہ نہیں ہے کہ صبح اس کے تلاوت کیا کرو اس کی اور اس کے بعد پھر قاری بلایا کرو سڑکوں کرایا کرو, ان کو کہا کہ اٹھ اور اعلان کر اپنے اس نسل و نما دینے والے کی صفت ربوبیت کا کہ جس نے پیدا کیا ہے, کہو جس نے پیدا کیا ہے وہی نسل و نما کا سامان دے گا, ہو نہیں سکتا کہ تخلیق تو وہ کرے اور نسل و نما کے لیے تمہیں انسانوں کا محتاج کر دے, اس عظیم پروگرام کا اعلان کر دے پوری دنیا کے اندر کہ رزق کا سچ اس میں اس کے ہاتھ میں رہے گا جس نے پیدا کیا ہے, یہ پہلا اعلان ہے اگر اسے پہلا کہا جائے تو ٹھیک رہو تو پڑھ نہیں تم پھر اعلان کر, تم یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے عزیزان اللہ, تو مذاق ہے یہ تم پانگ اٹھ, بڑی غلط روش کے اوپر انسانیت جا رہی ہے, انہیں آگاہ کر دے کہ جدھر چلے جا رہے ہو تباہیوں کے جہنم ہے اس کے سامنے, تیرا فریضہ ہے کہ ان کو بتا پوری انسانیت کی طرف رسول بن کے آیا ہے, ایک یہ ہے اقرا, اب یہ اقرا جو تھا اس سے تو ہوئی قرض, یہ قرض کے بعد ایک نکلا علم تجوید, اس تجوید کے بعد یہ کہ فاصلہ حرف جو ہے وہ کیسے حرف سے نکلے گا
और फिर फला जो है दांतों के साथ सुबान को लगाया जाएगा तो जू निकलेगा। ओ इतना बड़ा वो इल्म है साहब, ये सारा कुछ। फिर उससे वो कारी बन के आते हैं, फिर वो आते हैं देखते हैं ना कि वो मौसम के एतबार से आजकल भी आगे होते हैं, मिस्र के हिजाज के वो कारी किस तरह से वो करते हैं, वो करते हैं आपके यहाँ आके। ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये करप है कुरान, जिसे कहा था कि उठ और ऐलान कर पूरी दुनिया के अंदर के एक इंकलाब अगर आ गया है, ये आवाज है। रबूबियत जो है वो अब इंसानों के हाथ में नहीं रहेगी, उठ और ऐलान कर इसका। अब वो ऐलान यूं होता है, आते हैं वो सारी मैं अरुस्तर्दी सब पहले भी मैंने कहा था कि ये जहां आप देखते हैं कि करते सुनाने वाले आते हैं, जहां वो फिर सुभान अल्लाह और झूमते हैं, आपको पता है कि ये कहां होता है। राग उनके यहाँ हराम होता है और ये सारी करत राग में होती, दो ही करते हमारे यहाँ जारी है। यहाँ आम तौर पर मुरवज हैं, एक करत हिजाजी होती है, एक करत मिस्री होती है। ये करत जो हिजाजी है वो भैरवी राग के अंदर होती है, नहीं भैरों के अंदर होती है, जो सुबह चार तीन चार बजे के करीब गाया जाता है। और मिस्र की करत जो है ये भैरवी में होती है। और जहाँ आके झूमते हैं ना, ये वो मकान होता है जहाँ राग की एक कमी आती है उसके अंदर, राग आराम होता है इनके यहाँ। और ये सारी लज्जत इसमें होती, तो खैर वो तो अरबी अरब होते हैं, मुमकिन है उनको तो आते ही हो मानी, ये सुनने वाले जो है इनको तो कुछ मालूम नहीं होता। ये क्या करते हैं, कहते हैं ये है ना फसदा नहीं हूं कि तुम सुना करो, उनके लिए है कि तुम करा करो, हमारे लिए है सुना करो, लाला दिन करो हमू, ताकि ये मतलब बखत जो है कुरान का पूरा हो जाए। इसी तो सारी शरत करता है, सुनने वाले बस्ता में उनका प्रिय अंजाम दे रहे हैं, और वो कहते हैं हमसे तू साथ उसके हमें कहा था। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत सब आया अपने खो गई। और उसके बाद बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रास्ता ढेर है, रास्ता ढेर तो होना था फिर। ये जो मकासद आ गए कुरान के, कहा सुनो खामोशी से सुनो। अब ये देखिए कि कितनी इसमें तवज्जो जो है मरकूज कर दी गई है इस चीज के ऊपर, हुक्म की तामील की यही सूरत। मैंने कहा आज भी आर्मी में ये चीज अभी तक चली आ रही है, खुदा करे कि ये वहां ही कायम रहे हमारे। नहायत खामोशी से वो सुनना पड़ता है, वो हुक्म की तो सूरत ये है कि उसमें जरा सी भी कोई दूसरी आवाज आ जाए, वो हुक्म के मफहूम के अंदर कोई ना कोई इश्तेबाह पैदा हो जाता, फिर उसकी तामील से ही नहीं हो सकती। सुनो खामोशी, जब ऐलान किया जाए तुम्हारे लिए प्रोग्राम है कुरानी का, नहायत तवज्जो के साथ खामोशी के साथ उसे सुना है। और आगे वो बात हटाना वो तुमने तो कहना ही है, उसके मुताबिक चलते वो अमल करो, ये है तरीका। लाला तुम कुरहानून, ताकि जो मकसद है कुरान का तो समान मसल नमाज तुम्हें मिलता जाए, वो हासिल हो जाए, उसका तरीका ये। ये कुरान ने दूसरी जगह यह कहा है कि ये जो मुखालिफीन थे उन्होंने बड़ी मुखालफत की इस नमाज की कि ये इंकलाबी प्रोग्राम आम न होने पाए, हर किस्म की अजियतें पहुंचाई, तंगात दी, इन्होंने बर्दाश्त किया, इन्होंने मुकाबला किया। जब कोई और बात उनके समझ में ना आई तो उन्होंने फिर हरबा जो इस्तेमाल किया, 41:26 कफर ला तस्मऊ लिहाज अल कुरान वलगौ फीह लअल्लकुम तग़लिबून। इस जमात पर गालिब आने की कोई और सूरत नजर नहीं आती, बड़ी सख्त जान वाक्य हुई है जमात में। अब ये देखिए वो इस राज को समझे हुए थे कि ये कुरान की सारी बात है, ये उनके काम में पड़ता है, तो यहां से आगे थे ये आग लगती। उन्होंने कहा तरीका ये है, ये कुफार ये कहते हैं कि एक तो ये है, अपने लोगों से कहते हैं कि ये सुनना ना कुरान की बात है,
مختلف مکانات سے ہے کہ اس میں تو کوئی شہر ہے, یہ جادو ہے اور اس میں کوئی سرا نہیں ہے. یہ قرآن کو اگر سمجھنے کے ساتھ سنا جائے, اس پہ غور کیا جائے, چپک جاتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے قلب و دماغ کو اپیل کرے گی وہ تو چپک جائے گی. یہ چپک جاتا تھا, وہ کہتے تھے جادو ہے یہ, نہ سننا اس کو. ایک تو یہ ہے کہ تم نے نہ سننا, بہت اچھا جی, ہم تو اس سے محفوظ ہو گئے, کہا کہ یہ بات بھی نہیں. لغوث ہی ہے, یہ عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جسے عام طور پہ ہم لغوث کہتے ہیں نا, اس کے معنی ہوتے ہیں تائیں تائیں کرنا, یہ ان پرندوں کی آواز کو کہتے ہیں, تین تین تائیں تائیں. کہا جب یہ کہیں اس قسم کا پروگرام اپنا اعلان کرو تو تائیں تائیں شروع کر دو, کوئی مٹا دو, خود تو سنو نہیں, انہیں بھی نہ سننے دو. لال تم پگل گھوم, بس یہ ایک طریقہ ہے جس سے تم ان پہ غالب آ سکتے. آپ دیکھتے ہیں کوئی اور پروگرام نہیں سامنے آ رہا, کہ یہ جو یہی ہے بنیاد ان کے ہاں کی ساری انقلاب کی, اسے خود تو سنو نہیں, اور جب کہیں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہو تو اس میں الگ سی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انہیں باتیں شروع کرو, مناظر شروع کرو, انہیں پتا تھا کہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہو سکتی. کہاں کہاں شروع کر دو, دعائیں مچانی شروع کر دو, تو کوئی نہ سنے نہ اس کی آواز باہر جائے. اور یہ چیز چیزان من اسی دور میں ہی نہیں ہوئی, ساری تاریخ ہماری, اب یہ کفر کی بات نہیں رہی, مسلمانوں کی ہماری تاریخ صدر اعظم کے بعد جب یہ دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے, ساری تاریخ یہ ہے کہ قرآن نہ سنو نہ قرآن کسی کو سننے دو. عجیب چیز ہے اس تاریخ ہماری عزیزان ایمان, یہ جتنی داستانیں, یہ جتنی سامریت, اسرائیلیات کے خرافات, یہ افسانے, یہ جن کا نام تفسیریں اور روایات رکھا ہوا ہے, دن رات یہ دوراتے چلے جاؤ صاحب, نہایت یادگیوں سے کشش کے دلچسپی سے سنتے چلے جائیں. جہاں کہیں قرآن کی آواز آئی, ساری تاریخ آپ کی یہ ہے, قرآن خالص کی جہاں آواز آئی, ہر گھر کے لیے اس کی مخالفت کی. کفر کے فتوے انہی پہ لگے, پھانسیوں پہ انہی پہ چڑھایا, پھالے انہی پہ کھجوائی گئی. جرم کیا ہے؟ قرآن خالص کی آواز. آج اس دور میں ہمارے ہاں پھر آپ کی چیز یہ ہوئی, یہ جو آپ کے سامنے اتنے برسوں سے قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے, ان مخالفین سے کسی سے پوچھو کہ اس شخص کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے لکھ کے فائر کیا ہوئے ان کے ہاں کا سوال آ گیا غلامی. آپ کو معلوم ہونے کے آج بھی آپ کے یہاں کے جو سب سے زیادہ ماڈرن جدید علامہ مفسر بن بیٹھے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے موجودی صاحب کی تفسیر قرآن کی پہلی جلد, اس پہلی جلد کے اندر غلامی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جنگ میں مخالف کی, دشمن کی جتنی عورتیں تمہارے قابو آ جائیں, جس میں آپ جنگ کو قیدی کہتے ہیں, پرزنر آف وار, اس تقسیم میں یہ لکھا ہے, جس کا جیتا ہے اٹھا کے دیکھ لے, کہ انہیں سپاہیوں نے تقسیم کر دینا چاہیے. یہ سپاہی ان سے بغیر نکاح کے سمجھ کو کر سکتے, جن کی سمجھ اس میں تعداد کی بھی کوئی بات نہیں, ان کے اس سے ملکیت کا حق ہوتا ہے, اور ہر ملکیت کے حق والی شہ کی طرح یہ حق ملکیت منتقل کیا جا سکتا ہے, ختم دی جا سکتی, فروخت کی جا سکتی. اس کا جرم یہ تھا کہ کہا کہ بابا خدا کا ماننا, یہ تو الگ بات ہے کہ آج اس دور میں یہ چیز دنیا میں تم کہتے ہو, ندامت کے مارے زمین میں آنکھیں گر جاتی ہیں, ساری دنیا کیا کہے گی, اس کو کہنے کی بات نہیں ہے. کہا یہ میں نے کہ بابا جب جنگ ہوگی ان کی عورتیں آپ کے قبضے میں آئیں گی, آپ کی عورتیں بھی تو ان کے قبضے میں جائیں گی, تو کفار میں بھی آپ کے یہاں جنوا کنونشن اور جو چارٹر حقوق انسانیت کا بنایا ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ ان کے ساتھ انسانوں کا سلوک کیا جائے گا, کسی قسم کی اذیت تک پہنچائی نہیں جائے گی, جنگ بند ہونے کے بعد فوراً ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا, یہ ان کی کنونشن ہے. تم اگر یہ اسلامی احکام اس طرح سے اعلان کرتے ہو
दूसरी कौन अगर तुम्हारे हैं कि इन इज्जत लाभ मस्तूरात के साथ वो यही करे, तुम कुछ कह नहीं सकोगे। वो कहेंगे हम तो इस्लामी अकाम का इतना कर रहे हैं। उस जमाने में तो अभी वक्त नहीं आया था। आज हमारे यहाँ की हजार हाँ की तादाद में शहीद खवातीन उनके कब्जे में जंगी कैदियों की तरह है। मैं पूछता हूँ ये कि अगर ये इस्लामी अकाम अभी जाने मान के वहां पहुंचे, आगे बात करने के लिए जबान नहीं देते। और उसके बाद मैंने ये कहा कि देखो तो सही कुरान करीम के अंदर सही आयत मौजूद है कि जंग के कैदियों को बहरहाल जब तक रहें तो मेहमानों की तरह रहेंगे, उसके बाद तुम्हें या तो सदियों में के रैमसन में या तबादले में उनको रहा करना होगा। और उसका वहां कहा इन्ना मन्नन इन्ना कदान, और अगर ये सूरत ना पैदा हो तो इंसान है एहसान के बाहर कर छोड़ दे। कहा कुरान ये कह रहा है, तुम कुरान की तस्वीर ये लिख रहे हो, पता जवाब कह दिया। बड़े तन से मजा से कबूत से कह लगे हाथ है ये नए उठे कहते हैं सुनामी के मुतलक आकाम सिर्फ कुरान के रूप से मुतजर किए जाएंगे। ज्ञान में ये लिखा हुआ मौजूद है जी मान ने छोटा सा पंच लेता हमारा गुलाम और मांडू उनने ये बात देखी। जुर्म है ये साहब, ये सिर्फ सिर्फ कुरान के रूप से गुलामी के आकाम दे के आता है तो कुरान के रूप से तो ये था, इसका जवाब ही नहीं उनके पास का। कहा सिर्फ कुरान की रूप से ले आता है ये आकाम, तो ये सिर्फ कुरान की रूप से किसी चीज के मुतल किसी मसले किसी सवाल किसी प्रॉब्लम का हल पेश करना जुर्म है जुर्म था। इतना बड़ा पतला फिक्र का साथ किसी के खिलाफ रखा है। 1000 का फखर से कहते हैं कि गिनती पूरी कर दी थी हमने, 1000 उलमाए कुरान का फतवा इस बात के लिए कि ये सिर्फ कुरान खालिक से आकाम लाता है। 25 बरस से यह शोर लग रहा है, कोई शख्स भी इस्लाम को हाथ में न लगा, इसको गर्व में न जाए। जहां कहीं ये आवाज बुलंद हो रही है शोर मचा दो, अलगात ही है जो कुरान कहता है तो साफ कहते ये बात, तो जहां कहीं कुरान की आवाज आए काय काय करने लग जाए, काय काय करने लग जाए। खास इंस्ट्रक्शन है आपके यहाँ के इन नजदी मदारस के अंदर इन सिलाबा को कि कोई यहाँ इसके दर्श में ना जाए। अजीब बात है, वही अल्फाज है तो कहा पता नहीं कि जादूगर है, जो जाता है वही का हो जाता है। या मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि कुरान की बात आज भी सारी हिस्ट्री आपकी रिपीट हो रही है। जहां कहीं कुरान खालिफ की आवाज होती है वो कहते हैं कि बात अच्छा खुद सुने नहीं हल्का थी फिर में कहा दूसरे भी नसल में कहा। इस मुनजम प्रोपेगेंडे का कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का असर यह है कि जिसने कभी न नजर का नाम सुना है ना उसे कोई कुरान से दिलचस्पी, कुछ नहीं कोई बात नहीं था। उसके सामने भी ये कह देते हैं परवेश साहब ने ये कहा तो उसके भी माथे के ऊपर जफर के नक्शे बनने शुरू हो जाते हैं। नहीं सर वो तो एक नया सर नया ही नगर को बना के बाहर गया है, एक बड़ा अजीब सर कभी कौन सी चीजें बना रही है तो मुझे पता तो नहीं, लेकिन है बहुत बड़ा कितना है, लेकिन कौन सा कितना था तो पता तो है नहीं। मुझे मौलवी साहब कहते थे, मौलवी साहब से पूछो तुम बताओ कहते ही सारी दुनिया कहती है। चलिए साहब ले आइए अदालत से सारी दुनिया के साथ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो चीज है फर्स्ट समूह बड़ी अजीम चीज है। करप तो आपकी हो गई है, अगली चीज थी तलावत। चलिए तलावत कुरानी करीम से आप समझते नहीं, बड़े सवाल का काम उन्होंने बताया था। 1 हर्फ से 10 नेतियों का सवाल, ये तस्वीर में लिखा है अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है 30 नेतियों का सवाल, इसको ये हो गई तलावत। तलावत के तो मैंने बताया ना इलाम कर देना किसी चीज का एक्सप्लेनेशन। तलावत के माने होते किसी के पीछे पीछे चलना, इसके माने इस तरह करने के हैं कार्य करने के हैं। ये तो अरबी जबान में इसके साथ एक आगे प्रपोजिशन आती है आला, जब वो आए तो इसके माने पेश करने के होते हैं आकाम का पेश करना, और अगर खाली ये तिलावत हो तो इसके माने होता है किसी के पीछे पीछे चलना। तिलावत कुरान के माने है कुरानी से इनकी पैरवी करने चले जाना। आप जनाब तिलावत कुरान जो हुक्म है कुरान का
उसको तो मैंने हो गए कि सुबह उठो तो उसको देख लो बगैर समझे हुए तलावत करते हो। और आगे हमारे यहाँ तो ये है कि अगर नाजरा भी तैरना ना आए तो उसके ऊपर कुंगलियां फेर लिया। हमारे घरों में बचपन में हमने देखा उसके ऊपर उंगलियां फिरती थी। और अगर बड़ा कमाल जो किया उसके बाद भी तो नाजरा कुरान करीम जो है पढ़ा दिया। ये बात दोहरा रहे हैं नाजरा के माने और क्या होते हैं, इनके माने नहीं कुछ पता है। इसका नाम है तलावत कुरान करीम, बगैर समझे हुए इन अल्फाज का दोहरा लेना तलावत, जिसके माना लगनी है पैरवी करना तलावत का, इसके पीछे पीछे चलना इब्तदा करना, इतने ही नाम के बाद आते इसी के लिए तो लगता है। यही बात आगे सामने तलावत का लफ्ज कहाँ आया कुरान के लिए, अजीम किताब है शायद आप देखिए। आज ये चीज अगर आई साइंस वालों ने जो बताया उनमें लफलाक वालों ने कि ये चांद के अंदर नूर को इतना सुहाना हमें नजर आता है, शायरी के लिए बहुत अच्छा मौजूद है। जो इन कंडक्टर ने वहां जाके मौजूद ही हमको सुन लिया उसकी बड़ी भयानक खतरे हमारे सामने इसने पेश कर दी, बड़ा बड़ा हुआ वैसा हो जैसा मेगा गुजरने के बाद तू सामने आ गया। तो वो दारा उसका जो नूर था बहुत उमदा नूर, आज ये तीर नजर आई तो नहीं ये चांद का जो अपना नहीं होता, ये सूरज की रोशनी है जहां से ये अक्स लेता है। अभी जाने मन 1400 साल पेश कर कुरान करीम ने किस हसीन अंदाज में बात बताई कि इस चांद को देखो कितना ही अंत कहा, ये सूरज के पीछे पीछे नूर मांगता हुआ चला जाता है, रोशनी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वहां लकड़ी का लफ गया है पीछे चलना, रोशनी मांगने क्या खूबसूरत अंदाज है, अपनी रोशनी नहीं है मांगी हुई है मुस्तार है। और उसके कितने हसीन अंदाज में कहा कि ये जिसे इतना बड़ा नूरानी अंतर किया उसकी आदत ये है तो ये रोशनी की भीख मांगने के लिए सूरज के पीछे पीछे चलता रहता है। इसे तलावत कहा गया है, ये थी तलावत कुरान करीम, ये थी करत कुरान करीम। जब पुकारा जाए उसको सुनो, खामोशी से सुनो, अटेंटिवली लिसन, ताकि सुनता तुम्हें वो मकसद हासिल हो जाए जिसके लिए कुरान नाजिल किया है। लाला तुम तुर हमूम सुन लिया, उतने से आकाम समझ लिए, आकाम तो असूली तौर पर सामने आएंगे दिए जाएंगे, अमल के लिए निकल पड़ी बटालियन एक इधर चली गई इधर चली गई, वहां जाने के बाद सारा दिन तीसरे किस्म के ऐसे जुजी वाक्य आप सामने आएंगे कि जिनके मुतल्लिक और करना होगा, सोचना होगा कि उन आकाम की रोशनी में जो असूलन हमें दिए गए थे हमें क्या करना चाहिए। ये गौर फिक्र की बात अगला टुकड़ा है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन दून अल-जहर मिन अल-क़ौल बिल-गुदुव्व वल-आसाल फला तकुन मिन अल-गाफिलीन। कहा इसके बाद यहां वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, अब ये चीज आई अपने तर्जुमा इसका सुन लीजिए ना जो आम है, अपने रब का जिक्र कर अपने दिन में, और आ गया लफ्ज जिक्र चला गया ये खानकाहों में मस्जिदों से मिट्टी से। वहां आपको पता है कि जिक्र अल्लाह जो होता है वो क्या होता है, जरबें लगती, वहां भी जिस तरह से ये खफी और जरी होती है ना साथ हल्के इमाम शरीयत में, उनके यहां भी एक जिक्र खफी होता है एक जिक्र जली होता है। तो जली की आवाजें तो आपको कई आती हैं, वो ला वो कलब के ऊपर गर्भ मारनी होती है, एक होता है तो नहीं लड बंदो गोश बंदो चशन बंद शुरू हो जाए, और ये होता है जिक्र खत वजकुर रब्बा का थी नक्ष अंदर जाती। बात उसने ये कही कि ये सुन लिया कल करो
और बहुत से ऐसे वाकयात अनफोर्चुन सामने आएंगे जिसके लिए हम भी शर्त में फैसला करना होगा। इसलिए ये सुनने के बाद ये नहीं है कि बस फिर तुम उधर से गाजिल हो गए कि वो चीज की वही की हो गई, उसको सामने रखो और अपने दिल में उसके ऊपर गौर व फिक्र करते रहो। ये मच्छर का अजीब चीज है यहाँ जो तुम फिर अपने अपने अंदर इसके ऊपर गौर व फिक्र करते रहो। काहे के लिए कहता है कि दो किस्म के मकान आएंगे अब हमारी जिंदगी में, तजर्रमी का कम तर्जमा हो गया, तर्जमा उसको दिलचस्प होते हैं। अपने रब को याद कर अपने दिल के अंदर डरते हुए आजगी से, डरते हुए आजगी से दिल के अंदर को याद कर सोचे थे कि बाहर आना है वो मुझे कभी भी नहीं आदमी याद कर दे तो दिया ना ला तो नहीं कहते ना याद जान दे मन बढ़वाएगा तो डर भी हो रहा तो कहना फिर याद कर। जिंदगी में अजीबा ने मन वो ही मकान आते हैं जिनको कहते हैं जल्द मनसत और बसो मुजरत, या तो कोई फायदा हासिल हो या किसी नुकसान से बचना मकसूद हो। तजर्रम जो है जिसको कहते हैं आदमी से मैं क्या हो क्या किताब की क्या हो गई, ये फायदे के लिए किसी दूसरे की तरफ, लेकिन क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है किस तरह के फायदे के लिए किस तरह से आना, ये तुर हमून है ना लफ्ज, आपको मालूम है ना कि रेहन ये यहीं से ही है। कुरान नशे नमा की तस्वीर शुरू करता है रेहन नादर में जमीन को जिस तरह से मिलती है ना नशे नमा गया तो बात शुरू करता है, आपको मालूम है कि वहां नशे नमा माँ किस तरह से देती है अपने जिस्म का खून का बेहतरीन हिस्सा गैर शूरी तौर पर उसे दिए चली जाती है, कोई एहसान नहीं उसके पर खुदा की तरफ से जो मिलता है ऐसा मानी नशे नमा ये मिलता है। यहीं से ये रहम है, यहीं से रहमत है, ये तो हमीन की ये सूरत है। बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फिर देखो कि वो माँ नशे नमा कैसे देती है, यहाँ से वो लफ्ज आता है ये तजर्रम जो है। भूख के वक्त बच्चे का लटक कर दूध के सर चश्मों की तरफ जाना जो है उसके लिए लफ्ज तजर्रम आता है।